45 मिनट ड्राइव करके फाइनली हम पहुंच गए हैं डन्यूर के विलेज में। और मज़े की बात क्या है, यहाँ एक कासल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मज़े की बात है अगर आप आउटलैंडर के फ़ैन हैं तो ये देखें, आउटलैंडर फिल्म लोकेशन। स्कॉटलैंड का खूबसूरत ये गांव है डन्यूर, और इसकी वजह शोहरत है आउटलैंडर सीरीज़ जो है। आउटलैंडर के जो फ़ैन्स हैं, मेरे बैकग्राउंड में जो कासल है इसको देख के शायद उन्हें कुछ सीज़न 3-4 याद आ रहा हो। यहाँ पे आउटलैंडर की शूटिंग हुई और इस जो सीरीज़ है इसकी जो राइटर हैं डायना गैबल्डन, एक अमेरिकन ऑथर हैं। डायना गैबल्डन से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्होंने आउटलैंडर के लिए स्कॉटलैंड को ही क्यों लोकेशन के तौर पे चूज़ किया, तो उन्होंने बताया कि इसका रीज़न जो था, इट वाज अ मैन इन अ किल्ट, लेकिन आफ्टर दैट व्हेन शी लुक्ड इनटू इट डीपली शी वाज एन्चांटेड बाय द हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ स्कॉटलैंड। और उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड का हेरिटेज और कल्चर जो है वो भी स्कॉटलैंड के लैंडस्केप की तरह ही ब्यूटीफुल है, तो उन्होंने स्कॉटलैंड को इसलिए चूज़ किया था एज अ लोकेशन फॉर आउटलैंडर। ये आउटलैंडर इफ़ेक्ट जो है ये ऐसा था कि इससे स्कॉटलैंड में टूरिज़म बहुत प्रमोट हुआ। विज़िट स्कॉटलैंड ने बताया कि आउटलैंडर की सीरीज़ जो है वो स्क्रीन्स पे जाने के बाद 67% जो है वो टूरिज़म टू स्कॉटलैंड जो है वो इंक्रीज़ हो गया। और इसके ऑनर में उनको एक अवार्ड दिया गया लास्ट ईयर, इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन टू स्कॉटिश टूरिज़म, जो कि विज़िट स्कॉटलैंड की एक बहुत प्रेस्टीजियस अवार्ड सेरेमनी होती है हर साल, थिसल अवार्ड्स। तो डायना गैबल्डन को इस अवार्ड से ऑनर किया गया। 13th सेंचुरी में ये बना था, फिर इसको 15वीं और 16वीं सदी में दोबारा रीबिल्ड किया गया। तो इस वक्त जो ये हालत है, ये 15वीं और 16वीं सदी में जो उसको एक्सटेंड किया है, ये वो हालत में है इस वक्त आपके सामने। डन्यूर है एक्चुअली एयरशायर में। एयरशायर की एक और वजह शोहरत भी है और वो है रॉबर्ट बर्न्स। वहाँ भी आपको डेफिनेटली लेके जाना है, लेकिन इस वक्त तो चलो कासल ही की बात करते हैं। कासल के अंदर भी आपको लेके चलता हूँ और अंदर चल के भी कुछ बात करते हैं कि अंदर से, ऊपर से ख़ास तौर पर नज़ारा क्या लगता है। बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने देखें एक सेटअप बना के गेट्स वगैरह लगाए हैं कि अगर कोई टूरिस्ट आता है उसे पत्थरों पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो वो बाकायदा सीढ़ियाँ बना के ऊपर आए। अच्छा जी, एक कमरा तो हो गया है ये, इसमें एक खिड़की ये है, दूसरी खिड़की ये ऊपर है और एक ये तीसरी खिड़की भी यहाँ बनी हुई है। 3 खिड़कियाँ हैं इसकी। एक ये बड़ा सा मेहराब सी बनी हुई है जो कि अब टूट गई है ऑफकोर्स। इसके बराबर में एक और कमरा है, तो अब यहाँ पे एक खिड़की ये आ गई, ये एक दरवाज़ा हो गया, एक बड़ा सा दरवाज़ा सा इधर भी है, यहाँ से कुछ सामान वगैरह आता होगा। फिर एक विंडो ये ऊपर है और एक ये बिल्कुल मेरे सामने। तो देखें विंडो से कैसा लगता है। कैसा लग रहा है नीला यहाँ आके? What do you think? एक विजुअलाइजेशन टेक्निक अपनी यूज़ करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक जैसे नॉस्टैल्जिया की फीलिंग नहीं होती, किसी आप पुराने ज़माने में आप ट्रांसपोर्ट हो गए। और बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है, आना चाहिए लोगों को, ख़ास तौर पे जो आउटलैंडर के फैंस हैं उनको आके ज़रूर देखना चाहिए कि इस यहाँ ये चूँकि वो देख चुके हैं सीज़न 3 और 4 में ये कासल, तो ख़ुद भी आके देखें तो और मज़ा दुबाला हो जाएगा। ये जो समंदर है इसका नाम है फर्थ ऑफ क्लाइड, नेचुरल बीच है। अब यहाँ पे कुछ मकानात वगैरह बन गए हैं। अब ये पहले एक तो बहुत ही छोटा सा कस्बा जिसको कह सकते हैं अब वो था। जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप वंडर कर रहे होंगे कि ये क्या है। इसे स्कॉट्स में कहते हैं डूकॉट और इंग्लिश में कहते हैं डफकॉट। और ये वाला जो डन्यूर कासल के साथ ही ये जो स्ट्रक्चर बिल्ट हुआ हुआ है बी हाइव जैसा, इसका मकसद ये होता था कि जो रेजिडेंट्स हैं कासल के उनको एग्स और मीट प्रोवाइड करना। तो इसमें कहा जाता है कि तकरीबन 200 नेस्टिंग बॉक्सेस को ये अकोमोडेट कर सकता था ये डूकॉट। और अभी जब मैं यहाँ गई तो जो इसका गेट है उसमें से बेशुमार पिजन्स जो हैं वो उड़ के बाहर निकले। तो अब यहाँ जो है कबूतरों का बसेरा है। डन्यूर की लोकल कम्युनिटी को तकरीबन 10 साल पहले एक फंडिंग मिली थी, जिससे इन्होंने ये सब बनाया है और एक बड़ा खूबसूरत सा ब्लेंड दिया है कि ये न्यू और ओल्ड को एक उन्होंने एक सेगमेंट के अंदर बनाया है। बड़ा अच्छा लग रहा है। अब इसको कौन रखवाली करता है तो यही जो यहाँ के लोकल्स हैं, वॉलंटियर्स, वो आते हैं, वो इन फूल पौधों को देखते हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे आवारा भंवरे भी घूम रहे हैं, तो इससे पहले कि कोई भंवरा मुझे लड़ जाए, मेरे ख्याल में मुझे चलना चाहिए अब यहाँ से। फराज, जब भी अपनी जर्नी प्लान करें तो कौन से सीज़न में करनी चाहिए? समर सीज़न इज़ द बेस्ट टू कम इन, लेकिन समर सीज़न में भी एक एहतियात आपको ज़रूर करनी है। छोटे छोटे कीड़े होते हैं, मिर्चीज कहते हैं उनको, उनसे आपने ज़रूर बचना है। तो या तो कोई ऐसा स्प्रे लेकर आएँ अपने हाथों के ऊपर लगाने के लिए, अपने फेस पे, टांगों पे, या फिर मिर्चीज की हैट और एक मास्क टाइप का भी मिलता है, तो वो आएँ। अदरवाइज़ ये कि सुबह सुबह के टाइम पे आ जाएं और ये कि सुबह सुबह निकल जाएं, बेस्ट टाइम वही है। तो ये पीछे कासल आ गया और वहाँ सामने हार्बर आ गया, तो ये छोटा सा एक पाथवे बना हुआ है और चलते हैं हार्बर की तरफ। कासल देख लिया, खूबसूरत नज़ारे, और साथ साथ अब यहाँ आए हैं तो एक छोटी सी हार्बर है जिसे पोर्ट की शक्ल दी गई थी आउटलैंडर के अंदर, और जेमी और क्लेयर एक जहाज़ में बैठ के यहाँ से जमैका के लिए रवाना हुए थे। इस वक्त तो टाइड बड़ी लो है, लहरें पीछे तक गई हुई हैं, लेकिन जब टाइड हाई होती हैं तो यहाँ तक पानी आ जाता है। आपको सी वीड्स वगैरह यहाँ पर भी नज़र आ रही हैं, काफ़ी पानी भी है इधर आसपास। तो जब भी जैसे ही टाइड हाई होगी पानी आएगा यहाँ तक। अब देखने में तो बड़ी छोटी सी जगह है ये, लेकिन जाहिर है जो वो फिल्म में दिखाया गया था उस सीरीज़ के अंदर, तो इसको बड़ा मॉन्स्ट्रस कर दिया था। और साथ साथ एक ये जो गांव है, इतना खूबसूरत सा गांव है, ये ब्रेथ टेकिंग नज़ारे हैं वाकई। और आई वुड रियली रियली से कि यहाँ ज़रूर आना चाहिए अगर आप स्कॉटलैंड आते हैं तो। उम्मीद है कि आपने भी आज का ट्रिप हमारे साथ डन्यूर विलेज को उतना ही इन्जॉय किया होगा जितना कि हमने किया। ग्लोरियस डे है, सुबह सवेरे हम घर से चले थे कोई 7:30 बजे, और अब जो है भूख भी लग रही है तो कुछ नाश्ता वाश्ता करते, क्योंकि लॉकडाउन में कुछ नरमी हो गई है स्कॉटलैंड में, तो बाहर निकलने की इजाज़त है और 6 लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए आपस में मिल सकते हैं, तो हमने सोचा इसका फ़ायदा उठाएं। तो हम चलते हैं नाश्ते के लिए, और आप सब्सक्राइब कीजिए स्कॉटिस्तानी को, and if you get a chance to comment, like and share.